जो बाइडेन, ऋषि सुनक जैसे दुनिया के बड़े बड़े नेताओं ने शुद्ध शाकाहारी भारतीय व्यंजनों का स्वाद चखा। इंडिया जो है वो अपना कल्चरल डिस्प्ले भी कर रहा है, और बल्कि खास तौर पे जो मैं मेन्यू देख रहा था, वो जो मेन्यू था वो वेजिटेरियन था। ये जी साउथ इंडिया का है, ये हैदराबाद का है, ये फलां शहर का है, तो आप कैसे देखते हैं? अमूमन तो हम मेन्यू जो है वो कम ही लोग अपनी कल्चरल डिशेज बनाते हैं, जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड डिशेज होती हैं वही होती हैं। सो इंडिया अपने वो जो वेजिटेरियन मेन्यू का भी बड़ा डिस्प्ले कर रहा है, कल्चरल डिस्प्ले तो कर रहा है, लेकिन लार्जली व्हाट डू यू थिंक के व्हाट डज दिस मीन फॉर इंडिया? विदेशी मेहमानों को भारतीय स्वाद हमेशा याद रहे, इसके लिए पिछले कई दिनों से तैयारी चल रही थी, और जब डिनर शुरू हुआ तो सभी मेहमान खाने के स्वाद की ही बातें करते नजर आए। बटर इतना ज्यादा यहाँ पे इतना अच्छा नहीं है, यहाँ पे पनीर बिल्कुल भी नहीं है, तो फूड के हिसाब से देखा जाए ना तो यकीन करें मुझे तो वीजा ले दे इंडिया का, ठीक है। मैं जाऊँ वहाँ पे जाके मैं फुटबॉल बन जाऊंगा, अभी तो मेरी कुछ सेहत नहीं है। मुझे बहुत पसंद है इंडियन फूड, ठीक है, वहाँ के जो बर्गर्स हैं, वहाँ के जो पिज्जाज हैं, ठीक है, उसके अलावा जो देसी फूड है ना भाई, उनका ओवरऑल वो जब बटर की बारिश करते हैं ना ऊपर, मैं पागल हो जाता। तो ये इन यूरोप ने और यूरोपियन और वेस्टर्न सिविलाइजेशन, अब गेम इनके हाथ में नहीं है। फिर उसमें अगर देखा जाए तो मोदी जी की स्टेटमेंट ठीक है, द सन इज राइजिंग फ्रॉम द ईस्ट। चूंकि जाहिर है कि बुनियादी तौर पे कल्चर जो है एक इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट है लाइफ का, जिसमें फूड है, लिबास है, आपकी म्यूजिक है, आपका लिटरेचर है, आपकी ये सारी चीज़ें हैं, ये इम्पॉर्टेंट हैं, और इसी की वजह से असल में किसी मुल्क का एक इमेज जो है ना वो डिवेलप होता है। आप इस चीज़ को मानते हैं कि इंडिया फूड में भी हमसे आगे निकल गया? बिल्कुल मानते हैं, नहीं है इसमें कोई शक नहीं है। अच्छा, क्या वजह है उनके खानों में, ऐसी क्या बात है जो पाकिस्तानी खानों में नहीं? अब ये तो खा के ही पता लग सकता है इतने तो। दोस्तों, G20 समिट में लंच का डिनर भी रात का हो चुका है, सुबह का लंच भी हुआ है, खाना जो है 56 भोग से भी अधिक बना हुआ है, 150 के करीब में रेसिपी बनी हुई है जो कि शुद्ध शाकाहारी स्वादिष्ट रेसिपी बनी हुई है। जो लीडर खाए हैं वो तारीफ कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि ऐसा शुद्ध शाकाहारी स्वादिष्ट खाना होगा मैंने अभी तक सोचा भी नहीं होगा, ऐसे ये बड़े बड़े लीडर का कहना है। वहीं पर इस खाने को लेकर के पाकिस्तानी मीडिया में बहुत ज़्यादा चर्चा हो रहा है कि इंडिया खाना हर जगह फेमस है, और इंडिया अपने खाने के लिए जो है सबसे अलग इसका स्वादिष्ट होता है, और जो लोग इंडिया का खाना खाता है वो हमेशा इसकी तारीफ ही करता रहता है। तो इंडियन कल्चर को इसमें दिखाया गया है, मोदी जी हर एक चीज़ में नहीं अब बल्कि अपने खान पान पर भी ध्यान दिए हुए हैं, और अपने इंडिया कल्चर को साबित करने के लिए जो है 150 से ऊपर रेसिपी बनवाए हुए हैं जो कि बहुत ही बढ़िया और शुद्ध शाकाहारी ये रेसिपी होने वाली हैं। पाकिस्तानियों ने तो आज तक ऐसा 150 खाना रेसिपी का आज तक तो देखा ही नहीं होगा, तो खाएगा क्या? बस मांस मछली में जो फंसे रहते हैं उसे स्वादिष्ट खाने के बारे में क्या मालूम होगा, उसे पाकिस्तानी मीडिया में चर्चा हो रही है। और बल्कि खास तौर पे जो मैं मेन्यू देख रहा था, वो जो मेन्यू था वो वेजिटेरियन था। ये जी साउथ इंडिया का है, ये हैदराबाद का है, ये फलां शहर का है। चूंकि जाहिर है कि बुनियादी तौर पे कल्चर जो है एक इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट है लाइफ का, जिसमें फूड है, लिबास है, आपकी म्यूजिक है, आपका लिटरेचर है, आपकी ये सारी चीजें हैं, ये इम्पॉर्टेंट हैं, और इसी की वजह से असल में किसी मुल्क का एक इमेज जो है ना वो डिवेलप होता है किसी न किसी तरीके से, जिसमें कल्चरल कंट्रीब्यूशन जो है वो ज्यादा होता है। तो इस हिसाब से मैं समझता हूँ कि वो मौके से एक फायदा उठाया जा रहा है, जो इस तरह के जो इवेंट हैं वो मनाकद किए जा रहे हैं। तो रहा सवाल इसमें जो है कि पाकिस्तान इसमें शामिल नहीं है, तो जाहिर है कि इस पे तो बहुत बातें हो चुकी हैं। पाकिस्तान के इसमें ना शामिल होने से अगर इस दुनिया में किसी को नुकसान है तो वो सिर्फ पाकिस्तान और पाकिस्तान के अवाम है, वाहिद जी आप कह सकते हैं नटशल में विदाउट एनी जो है वो हेजिटेशन के। तो वो तो उन्होंने अपना नुकसान किया, अपने पाँव पे कलाड़ी मारी है, लेकिन जहाँ तक इंडिया का ताल्लुक है मैं समझता हूँ कि इंडिया जो है वो इससे पूरा पूरा फायदा उठा रहा है, और अभी तो ये एक तरह का रास्ता खुल रहा है यूं समझ लें कि ये देखा जाए तो ये जो इसका कल्चरल पहलू ये दिखा रहे हैं ये गुज़श्ता कई सालों से क्या बल्कि शुरू से इंडिया की पॉलिसी रही है कि अपना जो भी कल्चर है उसको किसी न किसी तरीके से हाईलाइट किया जाए हर इंटरनेशनल फोरम पे, जिसमें आपने शुरू से देखा होगा राइट फ्रॉम 1947 के इंडियन लीडरशिप जो है वो बाकायदा एक चीज़ पे इत्तफाक उन्होंने किया हुआ है, मसलन हमने इंटरनेशनल
किसी दौरे पे जाना है, डेलीगेशन से मिलना है या किसी को रिसीव करना है, तो हमने लिबास कौन सा पहनना है, उनसे जो है वो किस जुबान में बात करनी है, उनके साथ जो इंटरटेनमेंट वगैरह है उसका क्या तरीका होगा, और उसके लिए जो इंडियन म्यूजिक है या डांस है या जो दीगर कल्चरल आस्पेक्ट है उनको कैसे पेश किया जाएगा। तो इस हिसाब से उनका मैं समझता हूँ कि शुरू दिन से एक कंसिस्टेंट पॉलिसी है, कल्चरल पॉलिसी जिसको आप कह सकते हैं, जो कि अब बड़ी हद तक एक मैच्योर शक्ल इख्तियार कर गई है। इसके बजाय आप ये देखें कि पाकिस्तान में कल्चरल पॉलिसी का जो एक तरह का फुकदान, यानी पॉलिसी बिल्कुल एब्सेंस ऑफ पॉलिसी का नतीजा है कि आज तक पाकिस्तान के जो लीडरशिप है इस बात पे मुतफिक नहीं हो सकी कि हमारा लिबास क्या है। आप देखेंगे कि एक प्राइम मिनिस्टर जो है वो शेरवानी पहन के चला जाएगा यूनाइटेड नेशन में खिताब करने के लिए, दूसरे ने बास्केट डाली होगी, तीसरा वो चेयरमैन माओ की तरह का वो पीला सा वो जो है सूट पहन के वो जो होता है रेलवे वर्कर्स का चला जाएगा, कोई कुछ करता है, यानी जिसका मतलब ये है कि कोई कंसिस्टेंसी को पॉलिसी है ही नहीं और इस पे इत्तफाक ही नहीं है कि हमारा काम ही लिबास क्या है। और उसकी वजह यह है कि बुनियादी तौर पे जाहिर है इन चीज़ों को पाकिस्तान में एक मसनूई तरीके से डालने की कोशिश की गई, और जो चीज़ें आप मसनूई तरीके से किसी मुल्क पे मसलत करेंगे वो फिर लंबे अरसे तक चलती नहीं, चूँकि अवाम उसको खुद ब खुद डिसाउन कर देते हैं। अब पता नहीं ये कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब को आखिरी उम्र में ये मशवरा किसने दिया कि लखनऊ जो है कि जो तहजीब व तमादन है वो पाकिस्तान का तहजीब व तमादन होगा, वो जो लंबी शेरवानी और वो जना कैप जो मशहूर उन्होंने पहनी। जाहिर है कि पाकिस्तान दुनिया भर में लोग जो लिबास पहनते हैं वो पहनते हैं जो उनके अवाम के लिबास से मिलता जुलता हो, और ये बुनियादी तौर पर खुसूसन डेमोक्रेसीज में बहुत इंपॉर्टेंट समझा जाता है कि आप ऐसा लिबास पहने जो आपके अवाम की उनकी रवायात को रिफ्लेक्ट करता हो। तो जाहिर है UPCP या लखनऊ की जो शेरवानी है जो वहाँ के नवाब या जागीरदार या राजवाड़े जो है वो पहन के तो मशायरों में बैठते थे, उसको अगर आप एक तरीके से एक सरकारी लिबास, तो पूरे मुल्क में एक आदमी वो पहनता हुआ नजर आता है। यानी आप अंदाजा लगाएं यूमे पाकिस्तान जो बनाया आपने पहला और जो बड़ा जुलूस निकला और जो सारा उसमें वाहिद आदमी जिसने वो लिबास पहना हुआ था खुद कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना था। तो इसका फिर मतलब क्या हुआ कि आप ये कहना चाहते हैं कि आप अवाम का लिबास या उनसे मिलता जुलता कल्चर डेवलप करना चाहते हैं या उसके बरक्स करना चाहते हैं कि यानी ऐसा जो लिबास, पहली बात है एक शेरवानी सिलवाना एक आम आदमी के लिए पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा महंगा और जान जोखों का काम है, ना हर टेलर जो है शेरवानी जो है वो बना सकता है, ना उसका कपड़े का जो स्टफ है ये सारी चीजें आम आदमी की पहुंच तक है और बड़ी एक्सपेंसिव है। आप तो 50-60 हज़ार तक एक आम आ रही है, सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही। आज अगर है तो उस वक्त मैं आपको बताऊं उससे भी ज्यादा थी, क्योंकि मैंने मुझे याद है एक दफा मैंने किसी उसमें उस सिलवाने की कोशिश की थी तो मैं हैरान रह गया था कि ये इतनी महंगी, यानी आम कोट जो आप सिलवाते हैं टेलर से उससे ज्यादा होता है, और उसके लिए ज्यादा मयारी कपड़ा ना हो तो वो फिर उसकी सलवटें और उसकी सेटिंग उस तरह प्रॉपर नहीं होती। तो इस तरीके से अगर आप देखें तो इंडिया में एक चीज है मैंने देखा कि ये बड़ी उनके कल्चर पे जोर रहा है और उससे लीडरशिप से लेके तो आम आदमी तक जो है उसमें एक तरह की आमांगी जो है वो पाई जाती है। ज्यादातर जो अवामी जो पॉलिटिक्स है उसमें वो कुर्ता शलवार या वो जो कुर्ता पजामा या जो उनका है धोती वो ज्यादातर मरवज है जो आम आदमी की पहुंच में है। डिप्लोमेटिक चीजों में ये जो कोट पहनते हैं वो जिसको आप इंडियन कोट कहते हैं या शॉर्ट कोट जो है वो पहनते हैं। तो यही चीज जो है पाकिस्तान में इस हिसाब से आगे चले जाएं तो म्यूजिक है तो उस पर इत्तफाक नहीं है। अगली चीज तो ये है कि अब ये G20 में अगर आप हैं तो आपने म्यूजिक दिखाना है तो कौन सा दिखाना है, उस पर इत्तफाक नहीं है कि हमने उसको इस्लामाइज्ड किस्म का म्यूजिक जो है जिसमें कवाली या कोई इस तरह की चीजें। दोस्तों इंडिया खाना जो है भारत खाना हर जगह फेमस है, सब लोग जो खाते हैं वो भारत का खाना का नाम लेते हैं कि इतना बढ़िया स्वादिष्ट एक से एक हर सिटी का अलग अलग खाने महत्व है, चाहे वो मुंबई हो जाए, चाहे यूपी हो जाए, चाहे महाराष्ट्र में जैसे कहीं भी किसी शहर का मान लीजिए दिल्ली खाना हो गया, गुजरात का खाना अलग है, हैदराबाद की बिरयानी और जैसे हैदराबाद का खाना अलग है, उसी प्रकार के हर जगह का फेमस फेमस खाने हुए हैं जो कि अलग अलग स्वादिष्ट खाने जो है 150 रेसिपी जो है G20 समिट के जो गेस्ट को खाने के लिए बनाया गया है स्पेशल। इस बात को लेकर के पाकिस्तानी मीडिया में बहुत ज़्यादा चर्चा चल रहा है कि मोदी जी ने जो है 150 से ऊपर रेसिपी बनवाया हुआ है।
मैं बता दूं कि जितना खाना रेसिपी बना हुआ है उतना पाकिस्तानियों ने आज तक तो देखा भी नहीं होगा, तो खाया कहाँ से होगा, क्योंकि 150 रेसिपी इंडिया का इतना उन लोगों तो देखे ही नहीं होंगे आज तक, तो मांस मछली से ऊपर कभी चीज पे आए नहीं होंगे आज तक। इंडिया में G20 में जो है दिल्ली के अंदर 150 रेसिपी खाना बना हुआ है, इतना स्वादिष्ट खाना बना हुआ है, बिल्कुल शुद्ध शाकाहारी इंडियन कल्चर को साबित करता है कि इंडिया जो है खान पान में भी सब दुनिया से बिल्कुल ही आगे है। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।